वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत एक ओर जहां 45 साल के ऊपर के लोगों को तो दूसरी ओर 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण बूथों पर किया जा रहा है। इसके अलावा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए बनाए गए स्पेशल बूथ पर टीकाकरण चलने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सोमवार से महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत मंगलवार को जनपद में 2 केंद्रों पर महिलाओं ने वैक्सीनेशन करवाया। आपको बता दें कि पिंक बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारी तैनात हैं, जो टीकाकरण से लेकर रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। जिसके संबंध में डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 केंद्रों पर महिला स्पेशल टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से एक महिला जिला अस्पताल और दूसरा कैंपियनगंज CSC पर चल रहा है। यह 2 बूथ केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाएं ही टीकाकरण कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टाफ नर्स नेहा गुप्ता, सरिता जायसवाल और CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, हमारा काम है सुरक्षा के लिए। आप लोग लाइन से आइए, अपना चाहे लगेगा चाहे नहीं, आप लगे जो बताना है वही बताना है। 18 जैसे हमको बुक कराना है तो कैसे कराएं? जैसे हमारे पास ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन खाली है यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मैं दूसरे ठार होगा, दूसरे ठार आप लोग थोड़ा दूरी, जिसको पूछना हो किनारे हो जाइए। नेहा गुप्ता, कल से महिलाओं का एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है जो कि 3 दिन के लिए चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, केवल महिलाओं का ही वैक्सीनेशन होगा। सरिता जायसवाल, इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर में 15 दिन पहले करवाई थी सरकार, अलग से महिलाओं के लिए हेल्पडेस्क बनाई है, अलग से वैक्सीनेशन किया गया है। अच्छी ही बात है ना, अलग से महिलाओं के लिए किया गया है तो वैक्सीनेशन कर रही है सरकार ने क्या, सरकार निःशुल्क कर रही है तो अच्छी ही कर रही है, सरकार भी तो अच्छी ही काम कर रही है जो भी कर रही है। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अब बाकी लोग इसे यही कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन करवाएं और क्या। 2 महिला स्पेशल चल रहा है जो हमारी जिला महिला अस्पताल में और एक कैंपियरगंज में चल रहा है। 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं जो हमारी बसंतपुर PSC पर चल रहा है और आलिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है। लोगों में रुचि और उत्साह देखने को मिल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करा सकते हैं।